दुबला पतला एवं कमजोर होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वे अपने आप को ठीक तरह से फिट महसूस नहीं करते। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम सार्कोफेराल सिरप के बारे में बात करेंगे। सार्कोफेराल सिरप क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। सार्कोफेराल एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं उनको फिट रखता है, और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं वह इस सार्कोफेराल का कंटिन्यू यूज करके अपनी वजन बढ़ाने के साथ साथ हेल्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में सार्कोफेराल सिरप, ये सार्कोफेराल सिरप का ब्रांड नेम दिया गया है। ये बताया गया है इसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। ये 450 ग्राम में आता है, मतलब जो ये एकदम लिक्विड नहीं है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ये माल्ट भी बोलते हैं इसको, इसलिए ये ग्राम में है, बाकी के जो लिक्विड होते हैं वो ml में आते हैं। चलिए इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये एलम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें फेरस अमोनियम सिट्रेट होता है 100 mg, ये एक आयरन है। कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है इसमें 360 mg, ये कैल्शियम है। और कॉल्सिफेराल होता है इसमें 400 IU, ये एक विटामिन D3 होता है। और नाइसिनामाइड होता है 45 mg, ये भी विटामिन है। और फोलिक एसिड होता है इसमें 1.5 mg। और साइनोकोवालामिन ये विटामिन B12 होता है, इस ये होता है 15 mcg। तो इस तरह से इसमें कंटेंट है, सारे कंटेंट आपकी वीकनेस की प्रॉब्लम के लिए, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, सारी प्रॉब्लमों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए इसकी MRP, मैन्युफैक्चरिंग एवं एक्सपायरी के बारे में बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग अक्टूबर 2018 में, जो मेरे पास में जो सिरप है, और इसकी एक्सपायरी मार्च 2020 है। इसकी MRP के बारे में बात करें तो ये 241 रुपये का एक सिरप, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये सारे मतलब सप्लीमेंट इसमें हैं तो आपको किसी अदर सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आयरन है आपका, कैल्शियम है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, विटामिन B12, सारे सप्लीमेंट आपको इस एक माल्ट में मिल जाएंगे, तो अदर माल्ट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो आपको एनीमिया की कमी, मतलब खून की कमी होगी, इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको कैल्शियम की कमी है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं या फिर हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। फोलिक एसिड की कमी हो गई है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। विटामिन डी की कमी है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी की प्रॉब्लम रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको चक्कर की प्रॉब्लम है वीकनेस के कारण, या फिर आप कुछ समय के बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं और उठने के बाद में आपको आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, ऐसा लगता है बस गिरने ही वाला हूं, तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा यूज है उसका भी। आपके बच्चों में दांत निकलने की प्रॉब्लम रहती है या फिर बच्चे ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, बढ़ने की ठीक तरह से बढ़ नहीं पाते, उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छा यूज है। आप प्रेगनेंसी में इसका यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें विटामिन, सारे विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, फोलिक एसिड है, तो आप प्रेगनेंसी में भी इसका यूज कर सकते हो। प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा यूज है इसका। आपकी मेमोरी वीक है, आपको भूलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं फिर भी कुछ भूल जाते हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते आप किसी प्रकार की चीज़ को भूल जाते हैं, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको भूख लगने की इच्छा नहीं होती या खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती या भूख ही नहीं लगती, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये आपकी एपेटाइट की जो प्रॉब्लम है वो उसको भी सॉल्व कर देगा। आपकी बॉडी ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पा रही है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की वीकनेस है, कमजोरी है, या फिर आप किसी लंबी बीमारी के कारण भी कमजोरी है, उसमें भी आप इसका यूज करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की वीकनेस के लिए आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। इस सिरप में सारे विटामिन, कैल्शियम, आयरन, सारे मिनरल्स हैं, आपको किसी तरह की और अदर सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये पूर्णता से हेल्थ सप्लीमेंट है, इसको बेसिसक आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए यूज करने की आपको विधि बताता हूं, किस तरह से सिरप का यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इसको, मतलब जो एडल्ट होते हैं उनको 10 ml सुबह शाम इसका यूज करना है, और चाहो तो आप दूध में आधा ग्लास, एक ग्लास दूध में घोल के इसको यूज कर सकते हो। बच्चों के लिए 5-5 ml सुबह शाम आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं और दूध में घोल के भी इस सिरप को दे सकते हैं, क्योंकि एक
सिरप जो होती है वो गट्टी होती है, गाढ़ी होती है, उसे माल्टी भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये किसी किसी को नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, हल्की पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो नॉर्मल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब 1-2% लोगों में इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन आपको हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या दुबले पतले की कोई प्रॉब्लम है या फिर कमजोरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बेझिझक आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर ले। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।